दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स फोरम फॉर IIT JEE एंड IIPMT। तो दोस्तों हम लोग मैथमेटिकल टूल्स देख रहे थे। मैथमेटिकल टूल्स बेसिक मैथमेटिक्स है जो कि फिजिक्स के स्टडी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग लगभग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। उन 3 लेक्चर्स में हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री इतना देख चुके हैं। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हुए अब हम लोग बेसिक कैलकुलस में एंटर करते हैं। बेसिक कैलकुलस आपके लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि पूरी फिजिक्स जो आप पढ़ते हो है ये कैलकुलस बेस्ड फिजिक्स ही पढ़ते हो। उसका कोई भी मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए कैलकुलस का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक मैथमेटिकल टूल्स लेक्चर 4 में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कैलकुलस। ठीक है, बेसिक कैलकुलस क्या है? तो कहेंगे कैलकुलस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, है कैलकुलेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये समझते हैं है? लेकिन कैलकुलस में आप ये सीखते हैं कि बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस के साथ कैसे चीजों को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ फंक्शन। ठीक है, तो दोस्तों फंक्शन का मतलब क्या होता है, है? तो फंक्शन का आप बहुत सिंपल ये समझे मतलब कि फंक्शन क्या है, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ठीक है, फंक्शन क्या है, किसी भी दो चीजों का आपस में संबंध। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि पेट्रोल का प्राइस, पेट्रोल का, डीजल का प्राइस और बस का फेयर, है ना, टैक्सी का फेयर। ठीक है, इन सब पे डिपेंड करता है, राइट ना। तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, डीजल का प्राइस बढ़ जाएगा, तो टैक्सी फेयर बढ़ जाएगा, बस का फेयर बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है, अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी, है ना, तो आप इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड सामान का कम उपयोग करेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये फंक्शन का मतलब ये हुआ, कोई भी दो चीजों का आपस में संबंध, है ना। जैसे कि मैं लिखूं y इज फंक्शन ऑफ x, ये हुआ सिंबॉलिक। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे रीड एज, पढ़ा जाएगा y is a फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो आपको f लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप यहाँ g लिख दें, f y इक्वल टू g ब्रैकेट के अंदर x, उसका मतलब भी यही होगा फंक्शन ऑफ x। अगर यहाँ पे आप h कह दें, है y इक्वल टू h ब्रैकेट में x, तो उसका मतलब भी यही होगा। ये ना समझें कि f पर फंक्शन में आप कुछ भी यहाँ प्लेस कर सकते हो। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दो चीजें यहाँ पे x है और y है, इनका आपस में संबंध है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम दो चीजों का आपस में संबंध करेंगे, जब भी हम दो चीजों का आपस में संबंध करेंगे तो उनमें से दो तरह के वेरिएबल होंगे, है ना। एक होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा आपका होगा इनडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। जब भी आप कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण लिखेंगे, कोई भी आप समीकरण लिखेंगे, तो उसमें दो बातें होंगी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इनडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। इनडिपेंडेंट वेरिएबल वो हुआ जिसको वैरी करने के लिए आप किसी और से नहीं पूछेंगे, है ना, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो हुआ जिसको वैरी करने के लिए आपको इनडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने लिखा है y is equal to fx, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, y जो है x पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर y हमारे x पर डिपेंड कर रहा है तो इस इक्वेशन के तहत इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका अभी हो गया x और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका y। ठीक है, जैसे कि मैं लिखूं, फॉर एग्जांपल लिखूं कि y is equal to 2x square। ठीक है, मैं लिखा y is equal to 2x square, तो आप बताएं कि अगर आप यहाँ x की वैल्यू को 0 पुट कर दें,
तो वाई कितना हो जाएगा, वाई आपका जीरो हो जाएगा, है ना। अगर आप एक्स इक्वल टू वन पुट करें तो वाई कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, है ना। अगर मैं कहूँ आप एक्स इक्वल टू टू पुट कर दिए तो वाई कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, बोलिए, है ना। तो यहाँ आपने क्या देखा कि आप एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बदलते गए वैसे वैसे वाई का वैल्यू भी चेंज करता गया, है ना। लेकिन आप सोचें क्या एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू, ये जो हमने चुना, ये चुनने के लिए हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो ये कैसा है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन वाई की जो वैल्यू आई है जीरो टू एट, है ना, वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। आप सोच सकते हैं इस इक्वेशन में आप एक्स की वैल्यू जो चाहे वो पुट कर सकते हैं, लेकिन वाई की वैल्यू जो चाहे वो आप नहीं पा सकते, है ना। जैसे कि आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, वन से छोटा, वन से बड़ा, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, है ना। लेकिन आप सोचो क्या वाई की वैल्यू आपको नेगेटिव मिल सकती है इसमें, आंसर इज नो, नेवर पॉसिबल, है ना। क्योंकि एक्स स्क्वायर जब भी यहाँ आएगा, एक्स कुछ भी रखेंगे आप, वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा इसका मतलब वाई की वैल्यू नेगेटिव मिलना यहाँ संभव ही नहीं है, बात समझ गया ना। इसलिए हमने कहा कि एक्स यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो कोई भी फंक्शन हर बार किसी न किसी दो वेरिएबल के बीच में इक्वेशन होगा, है ना। वो वेरिएबल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा और उसमें से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। अब आगे देखें, जैसे आपको मैंने दिखाया वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, है ना। आप कह सकते हो वाई इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इक्वल टू टेन एक्स, ये सब क्या हो गए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, है ना। जैसे वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, वाई इक्वल टू एक्स क्यू, ये सब क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शंस है ना। तो फंक्शन भी आपके बहुत तरह के हो सकते हैं ना। ये भी आपको मैंने दिखाया कैसा, एल्जेब्रिक फंक्शन है ना? आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, आपका लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, लॉग वाला फंक्शन भी हो सकता है ना? आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है ना? तो फंक्शन आपके बहुत तरह के हो सकते हैं, इनका कोई लिमिटेशन नहीं है ना। फंक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक। सिंपली फंक्शन मतलब दो चीजों के बीच में संबंध, ठीक है। उनमें से क्या होगा, एक होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जैसे फंक्शन में आपको मैं दिखाऊं कि फंक्शन आपका वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव भी हो सकता है, है ना। फंक्शन आपका वाई इज इक्वल टू साइन एक्स भी हो सकता है ना। फंक्शन आपका वाई इज इक्वल टू ln x भी हो सकता है, है ना। ये लिखा मैंने ln x, हो सकता है आपके लिए ये टर्म नया हो, इसे हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। y is equal to e to the power x, ये क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, है ना। तो आप कहते होंगे कि ये और ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा, है। तो यू समझे यहाँ कि log और e का पावर x एक्सपोनेंशियल, ये एक दूसरे का एकदम उल्टा होता है, ठीक है। जैसे कि सब्स्ट्रक्शन एंड एडिशन कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है ना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन है ना। मैथ्स में ये चीज का बहुत ख्याल रखा गया है कि अगर आप कैलकुलेशंस में आगे बढ़ जाएं, है ना, तो आप पीछे भी आ सकते हैं, ठीक है। एडिशन का से अगर आप आगे बढ़ चुके हैं तो चीजें वापस रिकवर करने के लिए आपको सब्स्ट्रक्शन में जाना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन में अगर आप आगे बढ़ चुके हैं, चीजों को आपस में रिकवर करने के लिए आपको डिवीजन में आना पड़ेगा, है। उसी तरह से अगर आप लॉगरिथम में लॉग में आगे बढ़ चुके हैं तो आपको वापस आने के लिए एक्सपोनेंशियल का फंक्शन, ठीक है, है। आप ये याद रखें, जैसे कि मान लो वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स है, है। तो हम कहेंगे एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, सॉरी ई टू दी पावर वाई, समझे, हाँ। आप क्या कहेंगे कि लॉगरिथम फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। ई एक होता है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 2.303, ठीक है। आप ई ई जो ई लिखा मैंने यहाँ पे वो इस लॉग का बेस होता है,
ठीक है, वो आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री का उल्टा हो गया आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, है ना। जैसे कि अगर आप कहते हो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, है ना। इनका आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे कि अगर आपसे पूछूं कि साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू हाफ है, ठीक है, तो अगर साइन एक्स की वैल्यू हाफ है, साइन एक्स की वैल्यू अगर हाफ है तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपको पता है इसकी वैल्यू, आप कह देंगे एक्स की वैल्यू 30 डिग्री होगा, है ना। डिग्री में नहीं कहना चाहेंगे तो आप रेडियन में कहेंगे पाई बाय 6, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको कि साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू 3/4 है ना, तो अगर साइन एक्स की वैल्यू 3/4 है तो आपको ये नहीं पता है कि ये कितनी वैल्यू भी आएगा, है ना, ये बिल्कुल आपके नया वैल्यू है, है? तो फिर भी आप इसको आंसर में ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, ये लिखने का तरीका है, ये लिखा मैंने, उसे कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग सिर्फ रियली बेसिक बात कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह के फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, है? ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, है। तो फंक्शन चाहे जैसा भी हो, अल्टीमेटली फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर इज इनडिपेंडेंट वेरिएबल। इनडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहेंगे आप, उसे कहेंगे जब उसको वेरी करने के लिए हमें कुछ और प्लान ना करना पड़े, है ना। जबकि डिपेंडेंट क्या कहेंगे, तो कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसको वेरी करने के लिए इनडिपेंडेंट वेरिएबल के वेरी करने पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे देखें तो देखें फंक्शन में जो ये चीजें आई है ना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन में दो बातें बताई जाती है, एक हुआ आपका डोमेन, एक क्या हुआ डोमेन, ठीक है। डोमेन का मतलब क्या है, तो कहेंगे डोमेन का मतलब क्या है कि वैल्यूज दैट इज पॉसिबल फॉर एक्स, इन सब में जो एक्स की वैल्यू यहां हम पुट कर सकते हैं वो क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन है, उसे क्या कहेंगे, फंक्शन का डोमेन कहेंगे आप, ठीक है। इस फंक्शन के डोमेन में मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है, है ना। लेकिन ये सोचे आप ये सोचे कि डोमेन क्या होता है, तो कहेंगे इनडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज हम वहां पुट कर सकते हैं वो आपका डोमेन हो गया, ठीक है। वैसे ही मैं अगर कहूँ आपको रेंज, है तो क्या कहेंगे रेंज, तो कहेंगे पॉसिबल रिजल्ट ऑफ वाई का मतलब क्या है, तो कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। डोमेन क्या हुआ, जो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, रेंज क्या है, जो वैल्यूज रिजल्ट में आ सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको कि आपके सामने एक फंक्शन, क्या फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस वन, ठीक है, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस वन, ये आपके सामने एक फंक्शन आया, ठीक है। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा, है ना, तो बताइए अगर मैं कहूँ डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, है ना, तो बताएं आप, अगर आपके सामने सवाल ये है कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो आप किसके बारे में सोचेंगे, एक्स के बारे में सोचेंगे या वाई के बारे में सोचेंगे, बताइए। तो क्या लिखा था आपने, वैल्यूज दैट इज पॉसिबल फॉर एक्स, एक्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यूज, तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्स है, तो एक्स के वैल्यूज जो यहाँ पुट किया जा सकता है, क्या, तो कहेंगे रूट के अंदर 2x माइनस 1 है, आप सभी जानते हैं कि रूट के अंदर कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना, इसका मतलब 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, है ना, या 0 के बराबर होगा तो भी चलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे 2x माइनस 1 मोर देन 0 है, इसका मतलब 2x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब x की वैल्यू हाफ से बड़ी होनी
चाहिए, ये आपका आ गया डोमेन, है ना। x क्या वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन हाफ से बड़ी पुट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कहूंगा आपसे कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, कहेंगे इस फंक्शन का रेंज बताएं, तो आप क्या बोलेंगे, इस फंक्शन में हमने जो x पुट किया है उसके जो करेस्पॉन्डिंग रिजल्ट आएगा वो क्या है, रेंज है, ठीक है। तो देखें आप, अगर आपने x की वैल्यू इक्वल टू हाफ पुट कर दी तो क्या रिजल्ट आपका आएगा, जीरो आएगा ना, जीरो आएगा ना। तो वैसे ही बताएं, अगर x का वैल्यू हाफ से बड़ा पुट करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू हाफ से बड़ी, चले वन मान लेते हैं, तो 2 इनटू 1 माइनस 1 पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब y की वैल्यू जो यहां पे आने वाली है वो क्या है, मोर देन इक्वल टू 0 है। तो ये आपका हो गया डोमेन, ये हो गया आपका रेंज, समझ गए आप, फंक्शन काफी कुछ समझ गए होंगे आप, है ठीक है। अब मैं कहूं फंक्शन, तो फंक्शन है ठीक है, दो चीजों के बीच का संबंध ये भी ठीक है, है ना। लेकिन अगर मैं आपको यूं कहूं, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, अगर मैं कहूं एक फंक्शन एक दूसरे फंक्शन का फंक्शन, ठीक है, तो कहेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे फंक्शन ऑफ सेम फंक्शन, ठीक है। यूं कहें फंक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शन, है अगर आप कहते हो फंक्शन ऑफ सेम फंक्शन, मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको हूं y इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है, तो y is equal to p square क्या है, तो कहेंगे तो फंक्शन ऑफ p है, तो y किसका फंक्शन है, p का फंक्शन है, है ना। तो y जो कि p का फंक्शन है ना, और जो p है वो x पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब p equal to x square, तो ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x हो गया। अब आप देखें यहां पे क्या, तो कहेंगे y जिस तरह से p पर निर्भर कर रहा है बिल्कुल उसी तरह से P x पर कर रहा निर्भर, है ना, जिस तरह से y और p का संबंध है बिल्कुल उसी तरह से p और x का संबंध है, इसलिए मैं दोनों पे f और x लिखा है। तो इसको क्या कहेंगे आप कहेंगे y is equal to f of x, ठीक है, ब्रैकेट्स ध्यान से दीजिएगा, ऐसे देना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ सेम फंक्शन, ठीक है। अब मैं कहूँ फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट फंक्शन, देखिए गौर करें, फिर से बोलता हूँ मैं, y is equal to p square, ये फंक्शन ऑफ p है, y p पर निर्भर कर रहा है, लेकिन आप देखें कि जो p है वो जब x पर निर्भर कर रहा है तो p is equal to sin x है, ये फंक्शन और ये फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट महसूस कर रहा है ना, क्या कहेंगे आप कि f of p नहीं हो सकता, चलो मैंने इसको g of x कर दिया, ठीक है, तो कहेंगे ये फंक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। तो कैसे कहेंगे इसको आप, कि y is f of g of x, यूं कहा जाएगा, समझे बात को, क्या करेंगे आप, इसको इसके अंदर पुट कर दिया मैंने, p कितना था, ये था ना, तो p की जगह पर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया था, ऐसा बन गया, समझे बात को, ठीक है। तो देखिए f of g of x है ना, और g of f of x दोनों बातें अलग हो जाएंगी, है ना। जैसे कि मैं कहूँ आपको कि इसको यहाँ पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा आपका, y is equal to अगर p स्क्वायर है और p क्या है, sin x है, तो क्या बन गया आपका, आपका बन गया sin स्क्वायर x, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहूँ कि आप ऐसा करें कि g of f of x निकालें, ठीक है, तो क्या बन गया, तो कहेंगे f of x, तो f of p क्या बताएं, p स्क्वायर, f of p क्या है, p स्क्वायर, तो f of x क्या होगा, x स्क्वायर, तो क्या बन गया आपका, g of x स्क्वायर, ठीक है। अब बताएं g of x क्या है, sin x, g of x अगर sin x है, है तो g of x स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे sin x स्क्वायर होगा ना, आप खुद बताएं क्या ये दोनों वैल्यू का रिजल्ट सेम है, नहीं ना। अगर मैं कहूं x 30 पुट कर दें आप, 30 डिग्री पुट कर दें आप, तो यहां पे कितना हो जाएगा,
साइन 30 कितना होता है? हाफ, हाफ को स्क्वायर करें 1/4, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 900, साइन ऑफ 900 की वैल्यू 1/4 नहीं आने वाली, ठीक है। तो आप समझें कि f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x दोनों सेम नहीं होता, है ना। f ऑफ g x इज इक्वल टू g ऑफ f x, अगर आप ये उम्मीद करते हैं तो ये गलत, ये हमेशा नहीं होगा। हाँ, किसी किसी केस में सेम भी आ सकता है, लेकिन हमेशा इनके सेम आने की आप उम्मीद बिल्कुल ना करें, ठीक है। कुछ फंक्शन का एग्जांपल देखें, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने आया, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ऐसा कि क्वेश्चन क्या है, देखें, इफ y इज फंक्शन ऑफ x, y क्या है? x का फंक्शन है, क्या है ये? तो ये है x स्क्वायर प्लस x, ये फंक्शन है, ठीक है। हमें कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन, कहा गया फाइंड f जीरो, ठीक है। तो देखें, अगर f जीरो कहा गया है इसका मतलब क्या है? तो देखें, f के अंदर क्या लिखा है? x, इसका मतलब इसने हमने जो वैल्यू इस्तेमाल किया है वो x इस्तेमाल की है। तो आप बताएं, f के अंदर अगर जीरो है मतलब यहाँ क्या इस्तेमाल करना है आपको? जीरो इस्तेमाल करना है ना। तो कहेंगे f जीरो का मतलब क्या हो गया? मीन्स हमें fx ही निकालनी है, लेकिन कब निकालना है? एट x इक्वल टू जीरो पर। चलो पुट करें, क्या होगा? f जीरो इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस जीरो, कितना आ गया आपका? जीरो, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं कहूँ आपको बी पार्ट है फाइंड एफ वन, क्या करना है बताएं आप? एफ वन का मतलब, जैसे आपने एफ जीरो का मतलब क्या किया था? इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू जीरो पुट की थी ना, तो एफ वन का मतलब क्या होगा कि उसी फंक्शन में एक्स की जगह वन पुट करना है। तो कैसे होगा? 1 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आपका आ गया F1, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड F2, है क्या करेंगे आप? कहेंगे F2 का मतलब क्या होना चाहिए? F की जगह पे 2 पुट करना है, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया? 6। तो इस तरह से अभी मैंने आपको 2-3 छोटे छोटे एग्जांपल दिखाए, ठीक है। आपके सामने ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बी पार्ट में, मैं आपको कहूं फाइंड f1 प्लस f2, क्या करेंगे आप? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, f1 प्लस f2 में क्या करना होगा आपको? f1 आप कैलकुलेट कर चुके हो कितना है? 2 है। f2 भी आप कैलकुलेट कर चुके हो कितना है? 6 है। तो 2 प्लस 6 कितना हो गया? आपका आंसर 1, खत्म, ठीक है। अगर आपको यूं कहा जाए ई वाले पार्ट में कि फाइंड f2 by f1, ठीक है, कैसे करेंगे आप? तो आपने बोलेंगे कि ये f2 by f1 के लिए, अब f2 का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं कितना है वो? 6, और f1 कितना आपका है? 2, तो रिजल्ट कितना हो गया आंसर आपका? 3 बन गया क्वेश्चन ये, है। अब मैं आपको कहूं कि फाइंड f ऑफ 1, अगर मैं आपको यूं कहूं f ऑफ f1 क्या होगा, क्या करेंगे आप? आप लिखेंगे f ऑफ 1, पहले आप f1 कहेंगे, f1 कितना आपका आया था? f1 की वैल्यू आपको 2 आई थी, f1 आपको पता है कि ये 2 है ना। अब मैं कहूं f ऑफ f ऑफ 1, इसका मतलब क्या होना चाहिए? तो कहेंगे f ऑफ f ऑफ 1 का मतलब ये होना चाहिए कि f ऑफ, तो देखिए इस पूरे f1 का वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना है? तो आपने कहा कि f1 की वैल्यू कितनी है?
टू है। तो अगर एफ वन की वैल्यू टू है तो टू यहाँ पुट कर ले, इसका मतलब एफ टू हो जाएगा, है ना। और एफ टू का वैल्यू आपको पता है, एफ टू कितना था, सिक्स। तो आंसर हो गया आपका सिक्स। समझ गया आप? ठीक है। अगर मैं कहूं जी वाले पार्ट में फाइंड फाइंड एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ, अगर मैं आपको यूं कहूं, है ना, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि एफ ऑफ अगर मुझे वन निकालने कहा गया है तो आप इतनी की वैल्यू तो निकाल चुके हैं ना, बोलिए है कि नहीं, कितना निकाल चुके हैं आप? ये पूरा वैल्यू कितना आपको आया था, सिक्स आया था ना। तो आप यहाँ पे सीधे एफ सिक्स लिख दे, है ना। इसका मतलब ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन है वहां एक्स की जगह पे आपको सिक्स पुट करना है, तो क्या हो जाएगा आपका, सिक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इक्वल टू 42। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बेसिक फंक्शन का क्वेश्चन देख लिया आपने। ठीक है, अगर मैं कहूं फंक्शन का ही एक और सवाल, फंक्शन का एक सवाल यू है कि इफ y इज इक्वल टू x प्लस टू बाई टू एक्स प्लस वन, y फंक्शन ऑफ x है, क्या है ये फंक्शन ऑफ x है। सवाल क्या है, देन फाइंड x फंक्शन ऑफ y। ठीक है, अगर y x पे u निर्भर कर रहा है तो x y पे कैसे डिपेंड करेगा, है ठीक है ना, चाहता है ना। तो सवाल ये है कि x y पे कैसे डिपेंड करेगा, वो हमको इसी सवाल का निकालना है ना। तो कैसे करेंगे आप, सॉल्यूशन देखिए। आप कहेंगे इफ y इज इक्वल टू x प्लस टू बाई टू एक्स प्लस वन, ये हो गया क्या, टू एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। आप क्या करें, x वाले सारे टर्म को एक तरफ करने की कोशिश करें, क्या हो जाएगा, टू एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टू माइनस वाई। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक सोमल ले लें, एक सोमल लेंगे आपका हो जाएगा टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू टू माइनस वाई, आपका आ गया एक्स इक्वल टू टू माइनस वाई बाई टू वाई माइनस वन, आ गया आपका फंक्शन ऑफ जी वाई। ठीक है, यही आपका आंसर है। समझ गए होंगे आप, है ना। तो बेसिक फंक्शन का यूज हुआ। ठीक है, अब फंक्शन से थोड़ा आगे बढ़ते हुए बात करें डिफरेंस की और डिफरेंशियल, है ना। तो देखा जाए डिफरेंस एंड डिफरेंशियल क्या होता है। तो देखें, अगर आपके सामने मैं टॉपिक लिखूं डिफरेंस एंड डिफरेंशियल, ठीक है, तो डिफरेंस एंड डिफरेंशियल क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस आप समझते हैं, डिफरेंस आप समझते हैं, नॉर्मल 30 एंड 35 में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस, 50 और 30 में कितने का डिफरेंस है, 20, 100 और 60 में कितने का डिफरेंस है, 40, आपको सब पता है। तो डिफरेंस आपको पता है ना, ये बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, ये आपके लिए टर्म नया है, इसे क्या कहेंगे, डिफरेंशियल का मतलब क्या हुआ, वेरी स्मॉल डिफरेंस, है ऐसा डिफरेंस जो बहुत छोटा हो। ठीक है, ऐसा डिफरेंस जो कैसा हो, बहुत ही छोटा हो। जैसे कि डिफरेंस के लिए सिंबल दिया जाता है क्या, डेल्टा, है ना, और वेरी स्मॉल डिफरेंस के लिए सिंबल आप क्या देंगे, स्मॉल डी। ठीक है, है ना। जैसे कि मैं कहूं कि अगर x इज इक्वल टू 60 एंड 40, ठीक है, 60 एंड 40 से 80 कर लिया मैंने आपको, ठीक है, तो क्या कहेंगे, डेल्टा x डिफरेंस इन x कितना है बताएं, तो कहेंगे डिफरेंस इन x हो गया आपका 80 माइनस 60 इक्वल टू 20, ये डिफरेंस है। आप देख पा रहे होंगे जो डेल्टा एक्स है वो इन दोनों के मुकाबले में छोटा तो है, है ना, ठीक है, लेकिन बहुत छोटा नहीं है, है ना। अब दिखाता हूं आपको मैं डिफरेंशियल, तो कहेंगे डिफरेंशियल में जैसे मैं कहूँ आपको एक्स इक्वल टू 100
एंड 100.001। ठीक है, तो अब कहेंगे आप क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू 0.001। ये क्या हो गया, डी एक्स, है ना। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, डी एक्स का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे अब यहाँ हम लोग मतलब समझ पा रहे होंगे कि डी एक्स का मतलब क्या हुआ, जो एक्स से बहुत छोटा, डी एक्स का मतलब एक्स से बहुत छोटा हो। ठीक है, बहुत थोड़ा अंतर, इतना थोड़ा अंतर कि उतने अंतर से हमारे कैलकुलेशंस पे कुछ खास इफेक्ट ना पड़े, अंतर बहुत मार्जिनल हो, है। तो कहेंगे डी एक्स जो है वो एक्स के मुकाबले में इतना छोटा है कि अगर आप एक्स के साथ डी एक्स एड कर दें तो भी ये लगभग एक्स ही रहेगा। ये सिंबल किस का है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अगर मैं कहूँ एक्स के साथ अगर आप डी एक्स दो बार ऐड कर दें तो भी लगभग वो एक्स ही होगा, है। एक्स के साथ अगर आप डी एक्स तीन बार ऐड कर दें तब भी आप कहेंगे लगभग ये एक्स होगा। जैसे कि एक्स के साथ अगर डी एक्स हम ऐड करते ही जाए, रुके नहीं, बहुत ऐड करें, तब जाकर के कहीं वो एक्स से बड़ा होगा, समझे। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर आप कहेंगे x प्लस डेल्टा x, तो देखिए आप खुद समझे, आप कहेंगे ये तो x से बड़ा होगा। ठीक है, यहां तक हम लोग बात समझ गए। dx का मतलब इतना छोटा अंतर कि फर्क दिखाई ना दे, है ना। जैसे कि इमेजिन करें, अगर मैं आपसे कहूं कि आप बकेट, बकेट में पूरा पानी भर लें, ठीक है। जब पूरा पानी भर लें तो आप उस भरे हुए बकेट को अब x कहें, भरे हुए बकेट को क्या कहें, आप x कहें, ठीक है। और अब सोचें कि उस भरे हुए बकेट में क्या एक ड्रॉप पानी इंटर कर सकता है, आंसर इज यस, कर सकता है, हैं। और एक ड्रॉप पानी आप निकाल भी सकते हैं, हैं। लेकिन बताएं क्या एक ड्रॉप पानी ऐड करने से या एक ड्रॉप पानी निकालने से क्या देखने वाले को कुछ अंतर दिखाई देगा, आंसर इज नो, दिखाई नहीं देगा, है ना। यही एक ड्रॉप क्या हो गया आपके लिए, डी एक्स हो गया, ठीक है। लेकिन आप ये सोचें कि अगर बकेट में एक होल हो, छोटा सा होल हो, जिससे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी निकल रहा हो, आप ये सोचें कि हर एक सेकेंड बाद एक ड्रॉप निकल रहा है, तो इमेजिन कर सकते हैं आप कितना स्लो है ये, है ना। लेकिन फिर भी सोचें, अगर उस ड्रॉप पे, अगर उस बकेट को हम तक के छोड़ दें, एक दो घंटे बाद आपको सफिशियंटली डिक्रीज ऑफ वाटर लेवल दिखाई देगा। तो कहेंगे dx अकेला तो बहुत छोटा है, लेकिन वही dx अगर मेनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो, है ना, तो बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। समझ गया आप dx का मतलब, ठीक है। तो आप देखें डिफरेंस और डिफरेंस, अगर मैं कहूँ आपको कि चलिए आपके पास कोई फंक्शन है, अगर मैं कहूँ आपके पास कोई फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब y क्या है, x पर डिपेंड कर रहा है, हाँ। तो आप कहेंगे इफ इफ x चेंज, x बदल गया, चेंजेस टू x प्लस dx, क्या हो गया, x में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, हाँ, ठीक, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। तो x में अगर थोड़ा सा इंक्रीज किया है, हाँ, then y will change to y plus dy, ठीक है। तो x में थोड़ा सा चेंज हुआ तो y में भी थोड़ा चेंज हो गया, y plus dy हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे y क्या है, x plus x का फंक्शन है, y क्या था आपका, तो आपका x का फंक्शन था, ठीक है। अब मैं कहूं कि x की जगह पे क्या कर दिया आपने, x plus dx कर दिया, ठीक है। तो y की जगह पे क्या हो गया, y plus dy हो गया। अगर मैं बोलूं ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो आप 2 को 1 से माइनस कर, ठीक, तो क्या बन गया आपका, आपका बन गया dy, dy क्या बन गया, तो कहेंगे f ऑफ x plus dx माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना। अगर मैं कहूँ आपको कि वाई में कितना चेंज हुआ, तो क्या कहेंगे आप,
वाई की जो पहले वैल्यू थी कितनी थी, एफ एक्स थी, अब मैंने एक्सचेंज किया, कितना कर दिया, एक्स प्लस डी एक्स कर दिया, स्क्रीन पुट कर दिया मैंने, एक नई वाई की वैल्यू आई, उसको इसमें से माइनस कर लिया तो डी वाई निकल गया। डी वाई मतलब अ वेरी स्मॉल चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, पूरी बात बोलनी पड़ेगी आपको। डी एक्स क्या है, सिंपल अ वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। डी वाई क्या है, अ वेरी स्मॉल चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन वाई। ठीक है, तो डी वाई आपका ये आया, तो आप बताएं कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा। ठीक है, तो इसको मुझे डी एक्स से डिवाइड करना है, तो क्या कहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, यही आपका क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इस पूरी चीज को कही जाती है क्या, क्या कही जाती है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसी का नाम है डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसी का नाम है डेरिवेटिव ऑफ वाई। इसी को आप वाई प्राइम भी कह सकते हो, है ना, बात समझे, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे वाई में चेंज ड्यू टू चेंज इन एक्स बाई चेंज इन एक्स। ठीक है, इसी को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसी का नाम क्या है, तो कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, समझे आप। ठीक है, ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं देखते हैं। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन को कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है, तो देखिए आप, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिया, सबसे पहले कहा वाई इज कांस्टेंट, है ना, वाई क्या हो, कांस्टेंट हो, जैसे कि मैं कहूं लाइक y इक्वल टू रूट थ्री, y इक्वल टू फोर, y इक्वल टू माइनस सिक्स, या y इक्वल टू टेन का पावर फोर, कुछ भी कहें आप, सब क्या है, सब कांस्टेंट है, मतलब ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट है। तो आप सोचें अगर y कांस्टेंट है तो क्या y बदलेगा, नहीं बदलेगा ना, है, ठीक है, इसका मतलब डी वाई जीरो होगा। डी वाई मतलब चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y, है ना। अगर आपने कहा कि y स्थिर है, कांस्टेंट है, इसका मतलब y किसी और पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो अगर y किसी और पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसका मतलब अगर मैं y को चेंज करूंगा तो y चेंज नहीं करेगा, y कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, y हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो dy कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब फिर dy by dx कितना होगा, क्योंकि जब dy ही जीरो है तो डीवाई बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो आप के लिए एक रूल बन गया, इसको आप याद रखें, क्या रखेंगे, आप कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट टर्म इज जीरो। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज जीरो, सिंपल। आपसे पूछा जाए कि बस का एक सर्टेन सिटी मान लेते हैं उस शहर ए है से शहर बी जाने का फेयर 100 रुपीज बस वाला चार्ज करता है। ठीक है, है ना, तो आप जानते हैं कि बस जो है वो डीजल पे चलता है। अगर बस चलता है डीजल पे और किसी भी कारणों से अगर डीजल की प्राइस बढ़ गई, तो बताएं बस वाला अपना फेयर बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। अगर डीजल की प्राइस बढ़ी है तो ऑब्वियसली बस का भाड़ा बढ़ेगा, है, हो सकता है बस का भाड़ा कितना हो जाए, 100 से 110 हो जाए। ठीक है, ठीक। लेकिन आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ,
आपको मैं यू कहूं कि पेट्रोल का प्राइस या डीजल का प्राइस मान लेते हैं अगर 60 रुपीज पर लीटर है और डीजल का प्राइस बढ़ करके हो गया 80 रुपए लीटर, कितना हो गया 60 रुपीज पर लीटर से हो गया 80 रुपीज पर लीटर, है ना, मतलब लगभग 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई, 20 रुपए बढ़ गए, है ना। या फिर यू कहें कि पूरी प्राइस का 1/3, 60 रुपीज का 1/3, 20 रुपया प्राइस बढ़ गया, ठीक है। अब आप सोचें, वो बस वाला पहले उस भाड़ा ले रहा था आपसे 100 रुपए, बस वाला जाने का फेयर शहर ए से शहर बी आपसे 100 रुपए चार्ज कर रहा था, लेकिन अब जब प्राइस बढ़ने की बात हुई तो उसने प्राइस बढ़ा करके 100 रुपए से 200 रुपए कर दिया, तो आप बताएं क्या ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे तो गलत बात हो गई, क्योंकि बस का अगर डीजल पे चलता है और डीजल की प्राइस में अगर 1/3 बढ़ोतरी हुई है तो इसको भी 1/3 करना चाहिए, है ना, ये 100 रुपए से इसको 133 रुपए करना चाहिए, है ना, या बहुत तो बहुत 140 कर ले, चलो 150 भी हम मान लें, लेकिन 200 तो नहीं मान सकते ना, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि डीजल बस में क्या काम करता है ना, बस की रनिंग डीजल का फंक्शन है, ठीक। आपके पास इसका कोई मैथमेटिक्स इक्वेशन तो नहीं है कि कैसे फंक्शन है, लेकिन दिमाग में कहीं आपका है कि लीनियर जैसा फंक्शन है, इसका मतलब जितना परसेंटेज चेंज एक्स में होना चाहिए उतना ही परसेंटेज चेंज वाई में होना चाहिए, है। तो अगर डीजल के प्राइस बढ़ी है 33%, तो बस का फेयर भी 33% बढ़ना चाहिए, है ना। तो ये 33% क्या है, रेट ऑफ चेंज है ना, बदलने की तेजी है, वो कितनी तेजी से बदल सकता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि वही बस लेकिन डीजल की प्राइस नहीं बढ़ी, है ना, लेकिन मान लीजिए दूध का प्राइस बढ़ गया, तो दूध का प्राइस बढ़ गया इसलिए क्या बस वाला अगर फेर बढ़ा देगा तो आप अग्री नहीं करेंगे, है ना, आप लड़ जाएंगे उससे कि नहीं, गलत बात है, क्योंकि बस दूध पे नहीं चलती, बस पेट्रोल या डीजल पे चलती है। तो अगर बस दूध पे नहीं चलती, इसका मतलब दूध और बस में आपस में कोई फंक्शन नहीं है, इसका मतलब बस दूध के लिए कांस्टेंट है ना। तो बस का फेयर अगर दूध के लिए कांस्टेंट है तो दूध की प्राइस बढ़ भी जाएगी तो इस बस का फेयर नहीं बढ़ना चाहिए, यही सेंस हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज जीरो, समझ गए। अब आगे बढ़ें, अब मैं आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल पेश कर रहा हूं। एग्जांपल अब कहूंगा आपको मैं, वाई इज इक्वल टू एक्स है, वाई क्या है, इक्वल टू एक्स है, मतलब हर समय वाई और एक्स की वैल्यू बराबर है, तो आप बताएं अगर एक्स 10 है तो वाई कितना होगा, आप कहेंगे 10 होगा, अगर एक्स 15 है तो वाई कितना होगा, 15 होगा, अगर एक्स 20 है तो वाई कितना है, 20 है, इसका मतलब अगर एक्स और वाई हमेशा बराबर है, इसका मतलब जितना वाई में चेंज होगा उतना ही एक्स में चेंज होगा, अगर दोनों में चेंज बराबर है इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 है, समझ गए। तो देखा आपने, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना आप सीख गए, इसका आप सीख गए, है ना, ये फंक्शन आसान था, ये फंक्शन थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। अब मैं फंक्शन को थोड़ा सा और मुश्किल करता हूं, अब आप देखें कि मैं कहूं कि जो फंक्शन है वाई और एक्स में, ठीक है, वो ऐसा है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आप कहेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये आपका एक्स वाला फंक्शन है, ठीक है। तो आप बताएं एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो जैसा आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्या था वो, डी बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, यही था ना, चलिए इसे इसे मान लेते हैं, तो कितना हो गया ये एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें तो आप कहेंगे ए स्क्वायर, देखिए आप ये आपका है ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपका है ए स्क्वायर, ये है आपका बी स्क्वायर, तो अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं तो
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स माइनस इंटू इंटू ए माइनस बी एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, तो आप देखें ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये डी एक्स और ये डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका एक्स प्लस एक्स टू एक्स और प्लस। तो एक बार इस कैलकुलेशन पे नजर जमा लें, ध्यान से समझ लें इस चीज को, और समझ पा रहे होंगे इस चीज को कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ दिया मैंने, यहाँ से एक्स कैंसिल हुआ डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस डी एक्स। अब आप डी एक्स के बेसिक डेफिनेशन पे याद करें तो आपने कहा था डी एक्स इतना छोटा है कि एक्स के साथ ऐड करने पे कुछ खास असर नहीं पड़ता, इसका मतलब टू एक्स प्लस डी एक्स की वैल्यू भी लगभग बराबर कितनी होगी, टू एक्स होगी। इसका मतलब आपने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स इसका कैलकुलेट कर लिया। तो आपने क्या सीखा, आपने अब तक क्या सीखा कि अगर वाई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है, अगर एक्स और वाई बराबर हो तो इसका रेट ऑफ चेंज वेरी करने का चेंज वन होता है। ठीक है, अगर आप कहेंगे वाई एक्स स्क्वायर है तो डीवाई बाई डी एक्स एक्स डीवाई बाई कितना हो जाएगा आपका, ये वैल्यू लगभग कितनी हो गई थी आपकी, टू एक्स हुई थी ना, तो ये टू एक्स होगा। अगर वाई एक्स स्क्वायर होगा तो डीवाई बाई डी एक्स टू एक्स होगा। ठीक है, और दिखाऊंगा आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। आप पहला एग्जांपल है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, चलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो बताएं फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डी एक्स क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे ये तो होना चाहिए साइन ऑफ एक्स प्लस डी, देख ले आप भैया एक्स था यहाँ एक्स होगा, जब एक्स प्लस डी एक्स होगा तो ये भी एक्स प्लस डी एक्स होगा, है ना। अब इसको आप साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे तोड़ लें, कैसे कहेंगे आप कहेंगे साइन एक्स इंटू कॉस डी एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन डी एक्स, यही कहेंगे आप, है ना। अब आप याद करें लेक्चर नंबर टू में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का अप्रोक्सीमेशन सिखाया था, है लेक्चर नंबर टू में ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट में सिखाया होगा मैंने अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, क्या कहा था मैंने, अगर एंगल बहुत छोटा हो है ना तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा वन के बराबर होता है, और टेन थीटा भी थीटा के बराबर होता है। तो आप बताएं एंगल तो बहुत छोटा है ना इस बार, कौन बहुत छोटा है, डीएक्स, डीएक्स आपने कहा था ना बहुत छोटा है। तो आप बताएं क्या हो गया, ये आपका हो गया साइन एक्स इंटू वन और ये क्या हो गया कॉस एक्स इंटू डीएक्स। ठीक है, क्या हो गया आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन डीएक्स, क्या बन गया आपका इसका डीएक्स बन गया। ठीक है, तो आप बताएं मुझे इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आप बताएं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, क्या था आपका फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स। ठीक है ना, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स क्या है, तो कहेंगे ये आपका है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, एफ एक्स क्या था साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो आप देखिए साइन एक्स कैंसिल हो गया आपका, क्या बचा कॉस एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, क्या आपका आ गया, आपका आ गया कॉस एक्स, डी एक्स भी कैंसिल हो गया, है ना। तो आपने क्या सीखा अभी कि डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, ये आपका आया कॉस एक्स, है ना। आपने ये सीखा कि अगर वाई साइन एक्स है तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, कॉस एक्स होना चाहिए, वाई का रेट ऑफ चेंज क्या होना चाहिए, कॉस एक्स होना चाहिए, है ना। तो अभी आपने यहां तक क्या सीखा, यही सीखा कि हर फंक्शन को हम लोग उसके डिफरेंशिएशन बेसिक डिफरेंशिएशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसे कहा जाता है
डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो हर चीज कर सकते हैं हम, लेकिन आप महसूस करते होंगे कि जैसे जैसे फंक्शन टफ होता जाएगा वैसे वैसे आपका कैलकुलेशन भी टफ होता जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग हर फंक्शन का हमारे लेवल पे, अभी हम 10th क्लासेस पास किए हैं, 11th में आए हैं, तो हमें पूरी मैथमेटिक्स नहीं पता, तो हर तरह का अप्रोक्सीमेशन हमें नहीं आता, है ना। तो अगर हर तरह का अप्रोक्सीमेशन हमें नहीं आता, इसलिए हम हर फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से अभी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आगे जो हम लोग बढ़ेंगे, अब डिफरेंशिएशन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को याद करेंगे और उन फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें अगले लेक्चर, ठीक है। थैंक यू।